तो देखा आपने, ये वो तस्वीर थी। अगर ये तस्वीर ना होती, राहुल गांधी ये अध्यादेश ना फोड़ते, तो राहुल गांधी के सामने जो आज हालात बने हैं, इन हालातों से वो बच सकते थे। इन्होंने जो फाड़ा वो एक ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश था, जिसे तब मनमोहन सिंह की सरकार जो है, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने इसे फाड़ दिया था। क्या हुआ था पूरा वाक्य और किस तरीके से अपनी इस गलती पर आज संभवतः राहुल गांधी पछता रहे होंगे, पूरी बात बताते हैं। दरअसल 10 साल पहले मनमोहन सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया था जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। यह अध्यादेश इस बात के खिलाफ था, अगर किसी जनप्रतिनिधि को दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो भी उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, यानी कि रद्द नहीं होगी। मामला साल 2013 का है, तब देश में तत्कालीन यूपीए सरकार हुआ करती थी। यूपीए सरकार ने अध्यादेश पारित करवाया। उसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस आदेश को निष्क्रिय करने के मकसद से यूपीए सरकार ने यह अध्यादेश पारित किया था, जिसके विरोध में भाजपा और लेफ्ट समेत कई पार्टियों ने कांग्रेस पर तब जमकर हमला बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कोई भी सांसद, विधायक या एमएलसी जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की जेल दी जाती है तो उसकी तत्काल प्रभाव से सदस्यता खत्म हो जाएगी। 2 महीने बाद तब यूपीए सरकार ने आदेश को नकारने के लिए, या कहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारने के लिए, एक अध्यादेश पारित कराया था। इसे चारा घोटाले में फंसे या कहें दोषी पाए गए तब आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्हें बचाने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा गया था। तब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ सहयोगी दल में थे या कहें गठबंधन का हिस्सा थे। तब उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी और तब उन्होंने अध्यादेश को लेकर मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस की बहुत आलोचना की थी और दोषी सांसदों को बचाने का आरोप लगाया था। अध्यादेश पारित होने के कुछ दिनों के बाद 27 सितंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के एक प्रेस कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर से यूपीए सरकार को अध्यादेश पर फटकार लगाई थी और इसे पूरी तरह से बकवास बताया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों के सामने फाड़कर फेंक दिया था। हालांकि अध्यादेश को फाड़ने को लेकर राहुल की भी तब काफी आलोचना हुई थी, लेकिन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, हमें राजनीतिक विचारों के कारण ऐसा अध्यादेश लाने की आवश्यकता है। हर कोई ऐसा करता है, कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, जनता दल ऐसा करती है, समाजवादी पार्टी ऐसा करती है, और हर कोई ऐसा करता है और अब इसे रोकने का समय आ गया है। तब उन्होंने ये भी कहा था, मुझे वास्तव में लगता है कि हमें इस प्रकार के समझौते करना बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर हम वास्तव में इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, हम इन छोटे छोटे समझौतों को जारी नहीं रख सकते हैं। मुझे दिलचस्पी है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, मुझे दिलचस्पी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है, हमारी सरकार ने जो किया वो गलत है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त राहुल गांधी ने अपना ये गुस्सा या अपनी ये नाराजगी जताई, तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत में नहीं थे, तब वो अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे। और 2 अक्टूबर को लौटने के बाद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक से पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां ये निर्णय लिया गया कि सरकार के लिए अध्यादेश वापस लेना बेहतर होगा। अगले दिन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया, यानी कि ये वो अध्यादेश था जिसे लाया गया था उस कानून के खिलाफ, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसके तहत किसी भी जनप्रतिनिधि के दोषी पाए जाने के खिलाफ उसकी सदस्यता रद्द होगी, जो जैसे कि राहुल गांधी की अभी हुई है। लेकिन इसके खिलाफ जाते हुए तब राहुल गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि वो भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तब राहुल गांधी ने ये जो किया, ये राजनीतिक तौर पर वो कितना ठीक थे, क्योंकि इसे लेकर उनकी पार्टी समेत कई लोगों ने इसे लेकर राहुल गांधी की आलोचना भी की कि इस तरीके से अध्यादेश नहीं फाड़ना चाहिए था। हालांकि उसी अध्यादेश के फट जाने की वजह से आज राहुल गांधी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़कर जो संदेश देने की कोशिश की वो सही था या गलत था,
आपको इस पर क्या लगता है, आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।